मदद कर रहा है पाकिस्तान, बंदिशे में डेरा डाले हुए हैं आईएसआई प्रमुख, जबकि कतार पर इसराइल और हमास, गाजा से ताके गए रॉकेट तो इसराइल ने भी किया हमला। कचरे के ढेर में नीचे मिला खजाना, छठी शताब्दी के 22 अनमोल ज्वेलरी मिले। राष्ट्रीय समाचार, सांसद ने नीट की परीक्षा को बताया सामाजिक न्याय के खिलाफ, कहा खत्म करके देखें ये समान अवसर। दो साल बाद फिर उड़ान भरेगी एयरवेज, 2022 से शुरू होंगी फ्लाइट्स। आंखों से आंसू भरकर निकली दिल की बात, सीएम ना बनने पर सवाल भावुक हुए नितिन पटेल। आज का मौसम का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा, आज का न्यूनतम डिग्री 26 डिग्री रहेगा और अधिकतम 28 डिग्री रहेगा। बारिश होने की 80% संभावनाएं हैं। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ जाए। इतनी दिन फिर शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी मेरा नाम है। जन्म हुआ मेरा भारत में, मुझे यही विस्तार मिला, लगती हूँ अति प्रिय सभी को, मुझे सभी का प्यार मिला, सबको एक सूत्र में बांधू यही है मेरा काम। दे सुन अनुज में सुधा संस्कृत हिंदी मेरा नाम दे, 33 व्यंजन 11 स्वर यही मेरा आधार है, अपभ्रंश अवधी ब्रज भाषा सब मेरे ही परिवार है, मैं ही सुर की कृष्ण सुदामा, मैं तुलसी की राम रे, सुन अनुज में सुधा संस्कृत हिंदी मेरा नाम रे, मैं बिहार के खलियानों में, मैं हरियाणी खेतों में, मैं दिल्ली की लोकसभा में, मैं राजस्थानी रेतों में, मैं प्रयाग में, मैं काशी में, मैं मथुरा धाम रे, सुन अनुज में सुधा संस्कृत हिंदी मेरा नाम रे, गांधी जी के गुजरात में हूँ मैं, अरुणाचल के आंगन में, कन्याकुमारी कर्नाटक में, जम्मू के जनजीवन में, हर हिंदी के हृदय में हूँ मैं, दक्षिण हो या बांग रे, सुन अनुज में सुधा संस्कृत हिंदी मेरा नाम रे। नमस्कार, प्रणाम, हम आपका हिंदी दिवस के महोत्सव पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे जिसका उद्देश्य आपके दिलों में हिंदी के प्रति प्रेम भाव जगाना है, किसी भी भाषा का विरोध करना नहीं है। तो आओ देखें एक नुक्कड़ नाटक। धरती का श्रृंगार है हिंदी, जीवन का आधार है हिंदी। भारत माता की शान है हिंदी, हम सबकी पहचान है मधुर स्वरों का, मधुर स्वरों की गाथा है हिंदी, राष्ट्र की अधिकार है हिंदी। पहचान है
क्या हुआ? कुछ नहीं, आज मैं एक इंटरव्यू देने गई थी, मुझे यह कहकर निकाल दिया कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है। मुझे आज यह मालूम हुआ कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान आज एक भाषा से हो रही है। चीनी बोले मंदारी में, जापानी जापान में, और हम ही भैया ऐसे तो बच गए इंग्लिस्तान में। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हम सबका अभियान है हिंदी, भारत का स्वाभिमान है हिंदी, आजादी की शान है हिंदी, वीरों का अभिमान है हिंदी। बड़ा रही है ये मेरी शान, हिंदी की है मेरी पहचान, देश की सेवा मेरी भक्ति है, राष्ट्रभाषा मेरी शक्ति है। हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी।
से हिंदी मिली आजाद जिससे हमको बहु प्यार है हिंदी। सभा में यह निर्णय किया गया, यह कहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा 13 सितंबर की बात, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि कोई भी विदेशी भाषा के सहारे कोई भी देश विकास नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता, और न ही कोई विदेशी भाषा आम जनता की भाषा बन सकती है। इसीलिए सर्वानुमति से 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और तब से लेकर उसी उपलक्ष्य में हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन राजभाषा तक पहुंचना हिंदी के लिए आसान नहीं था, सीढ़ियाँ चढ़ना, राजभाषा की सीढ़ियाँ चढ़ना हिंदी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि दक्षिण प्रांत के लोग हिंदी नहीं जानते थे। तो वहाँ से विरोध शुरू हुआ कि हम हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं सोच रहा हूँ कि उनको 15 सालों का समय दिया गया। ठीक है, अगर आप हिंदी अभी नहीं सीख पा रहे हो तो आपको 15 सालों का समय दिया जाता है, यानी संविधान लागू होने 1950 में जो संविधान लागू हुआ उससे लेकर 1965 तक 15 वर्षों का समय उन्हें दिया गया और कहा गया कि 15 वर्षों तक हिंदी सीख लीजिए। हिंदी को जब राजभाषा बनाया गया, जब साउथ में, दक्षिण प्रांत में, खासकर तमिलनाडु से तमिल भाषियों ने सबसे ज्यादा उसका विरोध किया, उसके विरोध के भी अलग मायने हैं, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन जब विरोध किया गया वहां से तो साथ में राजभाषा के साथ साथ एक प्रावधान ये भी कर दिया गया कि हिंदी राजभाषा रहेगी और उसके साथ साथ सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भी काम करती रहेगी जब तक दक्षिण प्रांत के सारे लोग इस बात को स्वीकार न कर। इसके बाद उत्तर भारत में भी विरोध शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अंग्रेजी को स्वीकार नहीं करेंगे। दक्षिण प्रांत के विरोध का मतलब ये था कि वो ये समझते थे कि 15 वर्ष तक अगर हम हिंदी ही सीखते रहेंगे, क्योंकि 15 वर्ष के बाद यानी 1965 के बाद पूरी तरह से अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को स्थापित कर दिया जाएगा, यानी हिंदी का नाम, अंग्रेजी का नामोनिशान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, सारे कार्य हिंदी में किए जाएंगे। लेकिन दक्षिण प्रांत के विरोधों की वजह से ये सह राजभाषा का एक तरीका साथ में चला और वहां जो विरोध हुआ, उत्तर भारत में जो विरोध हुआ, आमतौर पर राम मनोहर लोहिया जी थे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वैचारिक तौर पर उनका जो विरोध था वो क्षेत्रीय भाषा को बचाने के लिए था, हिंदी के साथ साथ अन्य जो क्षेत्रीय दूसरी भाषा है उनको बचाने का था, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेजी अगर साथ साथ चलती रहेगी तो अन्य भाषाएं पिछड़ जाएगी। और साउथ में जो विरोध किया गया उसका विरोध ये था कि अगर उत्तर भारत के लोग पहले से ही हिंदी में बहुत मजबूत हैं, हमें और 15 साल हिंदी सीखनी पड़ेगी, अगर हिंदी को लेकर संपूर्ण तौर पर अगर हिंदुस्तान हिंदी को लेकर चलता है तो 15 साल अगर हमको हिंदी सीखने में लगे और जितना समय हमको हिंदी सीखने में लगेंगे तो हम उत्तर भारतीय लोगों से कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हमको हिंदी सीखने में इतना समय लग जाएगा और वो पहले से ही हिंदी सीखे हुए तो वो पहले आगे निकल जाएंगे। तो ये भी एक डर था। तो हिंदुस्तान में दो तरीके के आंदोलन हुए, एक हिंदी को बचाने के आंदोलन हुए और दूसरा हिंदी को मिटाने के आंदोलन हुए। तो साउथ में जो आंदोलन हुए उसकी आग ने हिंदी को सबसे ज्यादा झुलसाया और इसीलिए आज तक स्थिति बनी हुई है। दक्षिण भारत के विरोध की वजह से संविधान में 1965 आया, 1965 के बाद यह प्रावधान है कि अब पूरी तरह से अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा और हिंदी को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर दक्षिण प्रांत में विरोध शुरू हुआ, आंदोलन की चिंगारियां इतनी जोरों की थी कि कई लोगों ने अपनी भाषा को बचाने के लिए आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या तक कर ली। तो इस लेवल तक का, इस स्तर तक का जब आंदोलन हुआ तो मजबूरन सरकार को यह निर्णय करना पड़ा कि 1965 के बाद भी जब तक सारे प्रांत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते हैं तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। कौन सी स्थिति? राजभाषा के रूप में हिंदी काम करती रहेगी और सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी काम करती रहेगी, यहीं से हिंदी के पिछड़ने की शुरुआत होती है।
वर्तमान स्थिति पर अगर हम प्रकाश डालें हिंदी के, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लैंग्वेज पावर इंडेक्स तैयार किया है 2050 को ध्यान में रखकर, और लैंग्वेज पावर इंडेक्स जो वर्ल्ड फोरम इकोनॉमी ने तैयार किया है उनके अनुसार 2050 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली 10 भाषाओं में हिंदी का स्थान होगा। हिंदी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। पीपल लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार हिंदी के बोलने वालों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अन्य दूसरी भाषाएं कोई भी नहीं है इतनी भाषाएं जितने तेजी से हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों में और 176 दुनिया भर के 176 विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है। इसीलिए मैं आशावादी हूं, क्योंकि मैं हिंदी का व्यक्ति हूं, मैं आशावादी हूं कि भविष्य में, क्योंकि चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बाजार जो है वो हिंदुस्तान है और सारी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के बाजार पर है, इसीलिए बाजार के लिए भी, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी उन्हें हिंदी सीखना उनके लिए जरूरी होगा। तो आगे चलकर हिंदी का भविष्य उज्जवल है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। बस इन दो पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। हिंदी से तो विदा मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैं हिंदी का हूं और हिंदी मेरी है, तो लेकिन आपसे मैं जरूर विदा लूंगा इन दो पंक्तियों के बाद कि हिंदी क्या कहती है। ए हिंदी, ए हिंदी, अब चलता हूं मैं फिर कभी बैठ कर खूब बतियाएंगे। ए हिंदी, अब चलता हूं मैं फिर कभी बैठ कर खूब बतियाएंगे। और हिंदी क्या है? मीठे से बहते पानी का झरना है तू, मीठे से बहते पानी का झरना है तू, तुझ में बहना ही सबसे बड़ा भाव है, तुझ में बहना ही सबसे बड़ा भाव है, और आग हमने ही आगे रखी है तेरे आंदोलन चले ना, आंदोलन की जो चिंगारियां चली, आग हमने ही आगे रखी है तेरी, जिसको जलना था उसको ही जल मिल गया, जिसको जलना था उसको ही जल मिल गया। ए हिंदी, अब चलता हूं मैं फिर कभी बैठ कर खूब बतियाएंगे। पर हिंदी पिछड़ गई। कैसे पिछड़ गई? तो आगे बढ़ना पिछड़ना एक अलग बात है, एक व्यवस्था है ना कोई अलगाव है, एक व्यवस्था ना कोई अलगाव है, और पिछड़ते हुए तू खूब रोई जहां, और पिछड़ते हुए तू खूब रोई जहां, फूल एक दिन उसी डाल पर आएंगे। ए हिंदी, अब चलता हूं मैं फिर कभी बैठ कर खूब बतियाएंगे। अंतिम पंक्ति, कुछ दिए साथ में हम लिए आएंगे। हम हिंदी के जो सेवक हैं, जो हिंदी को चाहते हैं, वो कहते हैं कुछ दिए साथ में हम लिए आएंगे, चाहते हैं तुम्हारी लहर में बहे, बस यही रास्ता हिंदी तक जाएगा, दिल के अरमां ये मुझसे हरदम कहे, दिल के अरमां ये मुझसे हरदम कहे, अर्थ जो भी सपन बन नयन में रहे, सपन यानी सपने, अर्थ जो भी सपन बन नयन में रहे, सब तुम्हारी ही तो गोद में आएंगे। अंत में हम सबको हिंदी की गोद में जाना है। तो अर्थ जो भी सपन बन नयन में रहे, सब तुम्हारी ही तो गोद में आएंगे। ए हिंदी, अब चलता हूं मैं फिर कभी बैठ कर खूब बतियाएंगे। धन्यवाद।
अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जरूरत है और आज इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है कि हम सब अपनी राष्ट्रभाषा को पहचानें, उसका सम्मान करें। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है, चाहे हम बंगाल से हों, गुजरात से हों या देश के किसी भी प्रांत से हों, हम सब हिंदी समझते हैं और हिंदी बोलते भी हैं। आज का दिन खास इसलिए है कि हमें ये पहचानना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम जब भी हिंदी बोलें तो शुद्ध बोलने की कोशिश करें, जब लिखें तो शुद्ध लिखें। देश के हर विद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है और जब हिंदी पढ़ाई जाती है, आप सभी भी पढ़ते हैं, और हिंदी पढ़ाना, पढ़ना और लिखना ये सब भाषा के ही प्रकार हैं। आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जब हम आप लोग हिंदी लिखते हैं तो उसमें अशुद्धियां ना हो, आप जब बोले तो शुद्ध हिंदी बोले, आधी हिंदी आधी इंग्लिश आधी आपकी प्रांतीय भाषा, उसे खिचड़ी जैसा ना बने, क्योंकि हर भाषा बहुत ही प्यारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मातृभाषा हम सबकी अपनी अलग अलग मातृभाषा है, बट जरूरी नहीं कि हमारी मेरी जो मातृभाषा है उसे आप समझ पाएं या आपकी जो मातृभाषा है उसे मैं समझ पाऊं, लेकिन हिंदी ही एक मात्र ऐसी भाषा है पूरे देश में जो हर कोई बोल सकता है और हर कोई समझ भी सकता है। आप, मैं समझती हूँ कि आप मेरे इस वक्तव्य से सहमत हैं। अगर सहमत है तो जोर से तालियां बजा दें कि हाँ, हम सब हिंदी समझते हैं और हम सब बोल सकते हैं। मैं हिंदी विभाग के सभी शिक्षकों को हार्दिक अभिवादन करती हूँ। बहुत ही थोड़े समय में उन्होंने बहुत ही अच्छा, छोटा सा मगर बहुत ही प्यारा, बहुत ही संदेश से पूर्ण संदेश से भरा हुआ एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के साथ मिलकर तैयार किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में हम हिंदी विभाग की तरफ से और भी बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम यहाँ देखेंगे, और मैं ये गर्व से हमेशा कहती हूँ कि हमारे विद्यालय की हिंदी विभाग जो है और हिंदी शिक्षक जो उसके सदस्य हैं, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही उत्साही और बहुत ही मेधावी हैं। उनके बिना हमारे स्कूल का कोई भी कार्यक्रम हमेशा अधूरा रहता है। उनके सहयोग के बिना हमारी जितने भी हम त्यौहार मनाते हैं, जितने भी कार्यक्रम स्कूल में करते हैं, उनमें उन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। आज के दिन मैं ये अवसर लेना चाहती हूँ, आप सबको मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।